ड्रग चार्ट में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच कर रही एनसीएफ बॉलीवुड में फैले ड्रग्स एंगल को लेकर जांच में जुट गई है। जी हां दोस्तों, हाल ही में इस केस में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है और इसे सुनने वाला हर कोई हैरान है। इस वक्त ट्विटर पर दीपिका पादुकोण से जुड़े कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं और दीपिका पादुकोण को बॉयकॉट करने की मांग भी उठ रही है। बॉलीवुड ड्रग चार्ट में जिन बड़े नामों का जिक्र सामने आया है उनमें दीपिका पादुकोण भी एक हैं। चार्ट में जिन NJSD और K के बीच ड्रग्स को लेकर बात हुई है उनमें D का मतलब है दीपिका पादुकोण। ड्रग चार्ट में D यानी दीपिका पादुकोण K से माल यानी कि ड्रग्स की मांग कर रही है। दीपिका पादुकोण इन चार्ट्स में K में जिससे मांग कर रही है ड्रग्स की वो कोई और नहीं बल्कि करिश्मा है जो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की कर्मचारी है। दीपिका के सवाल पर करिश्मा कहती है कि मेरे पास है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। करिश्मा आगे कहती है कि अगर कहो तो अमित से पूछ सकती हूँ। इस पर दीपिका का जवाब आता है हाँ प्लीज। करिश्मा कहती है कि अमित के पास है, वो इसे लेकर जा रहा है। इस पर दीपिका पादुकोण कहती है हैश ना कि वीट। इस खबर के सामने आने के बाद तरह तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं और दीपिका पादुकोण को बॉयकॉट करने की मांग भी उठ गई है। जी हाँ दोस्तों, दीपिका पादुकोण के फैंस को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण चार्ट्स में ड्रग्स मांगती हुई नजर आ रही हैं उसके बाद उनके फैंस को खासा धक्का लगा है और उनको लेकर ट्विटर पर कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण को बॉयकॉट करने की मांग भी उठ रही है। आपको बता दें कि ड्रग चार्ट में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं क्योंकि इसी हफ्ते NCP दीपिका पादुकोण को भी समन भेज सकती है और पूछताछ के लिए बुला सकती है। आपको बता दें कि करिश्मा प्रकाश जो कि चार्ट में दीपिका पादुकोण जिनसे ड्रग्स मांग रही है उन्हें NCP ने अपने दफ्तर बुला लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब तक दीपिका पादुकोण को समन भेज पूछताछ के लिए बुलाती है।